ओम शांति। हम सभी को बाबा ने विश्व कल्याण की महान सेवा दी है। हम कर्म क्षेत्र पर उपस्थित रहते हुए अपनी सेवा को भी याद करते रहें। लौकिक में स्वयं को इतना व्यस्त न कर दें कि भगवान के द्वारा दिए गए काम को भी भुला बैठे। तब हम बाबा से दूर जाते रहेंगे, उसकी ब्लेसिंग्स और उसकी शक्तियां भी हमें प्राप्त नहीं हो पाएंगी। तो जैसे रोज के अनुभव हैं, कोई इम्पोर्टेंट काम आपको हो तो सारा दिन कामकाज करते हुए भी उसका भी बहुत ध्यान रहेगा। ऐसे ही विश्व कल्याण करना, सबको पवित्र वाइब्रेशंस देना, सबको सुख शांति का संदेश देना, मार्ग दिखाना, ये भी हमारा परम कर्तव्य है। हम जानते हैं वाचा के द्वारा हम लोगों को वो चीज नहीं बता सकते जो बताना चाहते हैं। लोग दुखी हैं पर ये सुनने को तैयार नहीं कि इन विकारों ने उन्हें दुखी बनाया है, इन्हें छोड़ दो। वो बहुत निगेटिव हैं पर उनको पता नहीं कि ये निगेटिविटी उनका बड़ा अकल्याण कर रही है। लेकिन मन के वाइब्रेशंस के द्वारा हम ऐसा वातावरण क्रिएट कर सकते हैं जो हर व्यक्ति अपनी कमियों की, अपनी गलतियों की, अपने फॉल्ट्स की महसूसता कर सके, रियलाइज कर सके कि उससे कहाँ गलती हो रही है, जो उसके जीवन में दुख अशांति भरी हुई है। तो आइए आज सारा दिन हम ये डबल काम करें, डबल सेवा, अपने लौकिक कार्य को भी सेवा समझें। मेरा घर, मेरा कार्य, ये सब यज्ञ है, यज्ञ सेवा है। बाबा ने मुझे ये कार्य दिया है। इस फीलिंग से यदि हम अपने लौकिक कार्य करेंगे तो वो यज्ञ सेवा में गिना जाएगा, यानी सेवा में गिना जाएगा। और फिर वाचा से तो जहाँ मौका मिले हम दूसरों को अच्छी बात सिखाए ही, लेकिन मनसा के द्वारा निरंतर हम वाइब्रेशंस देते रहें, बहुत अच्छी फीलिंग रहेगी। आज हर घंटे में हम एक एक बार कुछ कुछ समय के लिए संसार को वाइब्रेशंस देते रहेंगे। कभी अभ्यास करेंगे, हमारे सिर के ऊपर कल्पवृक्ष है, मैं आधार मूर्त और उद्धार मूर्त हूँ, मैं पवित्रता की देवी हूँ, फरिश्ता हूँ, और मेरे पवित्र वाइब्रेशंस इस सारे कल्प वृक्ष में समा रहे हैं। तो दूसरी बार अभ्यास करेंगे, मैं लाइट हाउस माइट हाउस फरिश्ता हूँ, मेरे ये वाइब्रेशंस लाइट के और माइट के चारों ओर फैल रहे हैं। एक एक मिनट अभ्यास करेंगे हर घंटे में। तीसरी बार अभ्यास करेंगे, मैं ग्लोब के ऊपर स्थित हूँ, परम नाम से बाबा की किरणें मुझ पर पड़ रही हैं और चारों ओर फैल रही हैं। चौथी बार अभ्यास करेंगे, मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ, इस संपूर्ण प्रकृति का मालिक हूँ, बाबा की पवित्र वाइब्रेशंस मुझ में समा कर चारों ओर फैल रहे हैं, प्रकृति पवित्र हो रही है। और पांचवी बार अभ्यास करेंगे, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ, ज्ञान सूर्य की लाइट और माइट मुझ पर पड़ रही है, चारों ओर फैल रही है। ये पांच अभ्यास पांच बार करने के साथ फिर हम इन्हें रिपीट करते रहेंगे, कम से कम तीन बार एक अभ्यास अवश्य हो जाएगा। इससे हमारे चारों ओर के वाइब्रेशंस में अलौकिकता आ जाएगी और शाम तक ही हम अनुभव करेंगे, हम में भी दिव्यता का अनुभव होने लगा है। तो ये बहुत सुंदर अभ्यास है कि हम इस तरह निरंतर डबल सेवा करते चले,
सिंगल सेवा तो सारा संसार कर रहा है, लेकिन यदि हम ऐसी सेवा करेंगे तो देखने वाले ये महसूस करेंगे, उन्हें साक्षात्कार होंगे कि ये कोई अलौकिक मनुष्य है, संसार के मनुष्यों से बिल्कुल भिन्न है। ये स्वतः ही हो जाएगा, हम केवल इस अभ्यास में आज प्रवर्त रहे हैं और देखें इसका सुंदर प्रभाव कितना प्रभावकारी रूप से काम करता है। ओम शांति।